हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीम चीज डिप एंड फ्लेवर्ड क्रीम चीज। एक बर्तन में 1 लीटर फुल फैट मिल्क बॉईल करना शुरू करें। बॉईल होने से थोड़ा देर पहले इसमें 1 नींबू का रस मिलाएं और कंटिन्यूसली थोड़ी देर चलाएं। आप देखेंगे थोड़ी देर में दूध कर्डल होना शुरू हो जाएगा। इस टाइम पर गैस को बंद कर दें। क्रीम चीज़ बनाते समय हमेशा फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करें, बिकॉज इससे क्रीम चीज़ बहुत ही क्रीमी एंड रिच बनती है। अब इस मिक्सचर को एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लें। इस स्टेज पर इस चीज़ को हम रिकोटा चीज़ कहते हैं। ये रिकोटा चीज़ इटालियन क्विजीन में बहुत यूज़ होती है। अब इस चीज़ को एक ब्लेंडर में डाल दें। अब इसमें छाना हुआ वे लिक्विड मिलाएं और इसे एक स्मूथ पेस्ट बन जाने तक अच्छे से ब्लेंड करें। लुक हाउ स्मूथ एंड वेलवेटी दिस क्रीम चीज़ इज़। ये है क्लासिक क्रीम चीज़ जिसको हम पुडिंग्स एंड क्रीम चीज़ केक में यूज़ करते हैं। अब हम बनाएंगे फ्लेवर्ड क्रीम चीज़ जिसे आप सैंडविचेस, बर्गर एंड रोल्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें मिलाएं थोड़ा सा रोस्टेड पीनट्स। आप पीनट्स की जगह इसमें वॉलनट्स भी ले सकते हैं। फिर इसमें मिलाएं थोड़ा हरा धनिया, चिली फ्लेक्स, ऑलिव ऑयल एंड सम सॉल्ट टू टेस्ट, और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप इसमें मेल्टेड बटर भी मिला सकते हैं। अब हम बनाएंगे एक क्रीम चीज़ डिप। इस क्रीम चीज़ में मिलाएं हनी, थोड़ा सा इंग्लिश मस्टर्ड और थोड़ा सा सॉल्ट। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लें और आप इसे फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, किसी भी और स्नैक के साथ या सैलड ड्रेसिंग की तरह इस डिप को यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।